أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها। मोहतरम नाजरीन, मेरा आज का मौजू है पित्त की पथरी का इलाज। अमूमन जो इलाज किया जाता है, बिल्कुल पित्त को बदन से निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के जरिए से, लेकिन तिब्बत इस्लामी में इसका आसान इलाज मौजूद है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसका दवाओं के जरिए से इलाज करना चाहिए बजाय इसके कि ऑपरेशन के जरिए से इलाज हो। तो पित्त पेट में जिगर के बिल्कुल नीचे दाएं जानिब होता है और अमरूद की शक्ल के इस उज्व में एक स्याल बैल या सफरा होता है। यह स्याल जिगर में बनता है जो कि चर्बी और मखसूस विटामिन को हजम होने में मदद देता है। जब आप खाते हैं तो जिस्म उसे खारिज करने का सिग्नल देता है। उसके अलावा आंतों में ये इन्फेक्शन नहीं होने देता। तो जब ये आप निकाल देते हैं पित्ते को तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, उनमें से क्या यानी हाजमा सही तरह से नहीं होता है। उसके अलावा और दूसरी कई मुश्किलात, यानी बदन में गर्मी फैल जाती है, यानी गर्मी जो पित्ते के अंदर जमा होनी थी, सफरा जो पित्ते के अंदर जमा होना था, वो पूरे बदन में फैलता है। उसकी वजह से, गर्मी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो लिहाजा हतौल इम्कान जितनी कोशिश हो सकती है ऑपरेशन न करवाएं, बल्कि उसका इलाज दवाओं के जरिए से, गिजाओं के जरिए से करें। हम अक्सर अफराद को पथरी का मसला लायक होता है जिसकी वजह स्याल का ठोस शक्ल इख्तियार कर लेना है। इन ठोस शक्ल में वो वही स्याल मादा जो जिगर से पित्त में आया था, वो ठोस शक्ल में इख्तियार कर लेता है, जो कि एक गोश्त बाल जितनी बड़ी भी हो सकती है, जबकि एक या मुतादित भी हो सकती हैं। ये पथरियां सैकड़ों कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं, मगर कुछ अफराद जिन्हें जिगर के मुख्तलिफ अमराज लायक होते हैं, इनमें इसकी अकसाम अलग हो सकती हैं। तो सबसे पहले अलामात बयान करता हूं, फिर अवामिल बयान करूंगा, उसके बाद तिब्बे इस्लामी में जो इसका इलाज है वो बयान करूंगा। अलामात क्या है, हर जो तबीब होगा उस मतलब कोई हाथों के जरिए से बीमारी की तशखीस देता है तो हाथों के जरिए कर सकता है, कोई आंखों के जरिए से, मुख्तलिफ किस्म के तबीब होते हैं और टेस्टों के जरिए से, सोनोग्राफी लिख के, अल्ट्रासाउंड लिख के। लेकिन कुछ अलामात भी होती हैं इसकी, उनमें से एक क्या है, चेहरे जबान और आंख में पीलाहट, मुंह में कड़वाहट। तीसरी अलामत क्या है, खारिश। बदन में गर्मी, दिल मतलाना, कह पेट में दर्द, गहरे सांस लेते हुए शदीद दर्द, कमर या दाएं कंधे में तकलीफ का एहसास। इसके अवामिल क्या है, अमूमन खवातीन में ज्यादा इम्कान होता है। उसके अलावा खानदानी तारीख में इस तरह मोटापे, अगर किसी को मोटापे की मुश्किल है तो वो जिसका जिस्मानी वजन में तेजी से अगर कमी आए तो उस सूरत में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल से भरपूर गिजा, इस तरह ज्यादतीस, 40 साल से ज्याद उम्र, और आजकल की जो मुजिर गिजाएं हैं, केमिकल से भरपूर गिजाएं हैं, वो सबब बनती हैं कि इंसान इस बीमारी में मुब्तला हो। तो कोशिश करें तभी गिजा खाएं तो इस तरह की बीमारियां नहीं आएंगी। तो गिजाई और मुफरद इलाज इसका जो बयान हुआ है वो क्या है, 41 अदद खजूर की गुठली को पानी में उबालें और वो पानी नहार मुंह इस्तेमाल करें। इस तरह आलू बुखारा इसके लिए मुफीद है, कासनी मुफीद है, कासनी के पत्ते, और इसके अलावा कहू के पत्ते। मुरक्कब इलाज में एक दवा है असारून, मुरक्कब से भी इसको, मुरक्कब तीन भी इसको कहा जाता है, और दूसरा इसका इलाज जो दवा के तौर पर आया हम्बुल बलसान है, और इसको मुरक्कब चार भी कहा जाता है। तीसरा इलाज इसका अहलीलज है, सफरबर भी इसका नाम है। उसके अलावा मगलतुल फातिमा अलैहिस्सलाम, ये सारी दवाएं आपस में मिलके एक मददगार थी। लेकिन जो बेहतरीन इलाज इसका अभी बयान कर रहा हूँ वो क्या है, जामे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ। जामे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को कैसे इस्तेमाल करना है, 50 ग्राम सनाए मक्की लेनी है, या अगर सनाए मक्की ना मिल सके तो सनाए पाकिस्तानी या जो भी हो उसको इस्तेमाल करें। 50 ग्राम उसको लेना है, उबलते पानी में डाल देना है और फिर 10 मिनट दम पे लगा देना है। 10 मिनट के दम के बाद उसको साफ करके एक गोली जामे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम उसके अंदर मिलाकर उसको इस्तेमाल करना है,
और ये 3 दिन में एक दफा इस्तेमाल करना है, एक दफा इस्तेमाल करेंगे फिर 3 दिन में एक दफा इस्तेमाल करेंगे, यानी ये 3 दिन में एक दफा इस्तेमाल करके यानी कितने हो जाएंगे 9 दिनों में 3 दफा इसको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद अगर पथरी ज्यादा मुकाविम होगी तो अगले मरले में दाखिल होना पड़ेगा, वगरना निकल जाती है पथरी। अगर नहीं निकली तो फिर क्या करना है, फिर उसके अलावा 2 ग्राम सकमोनिया उसको पानी के अंदर हाल कर लेना है और फिर उसके अंदर 1 गोली जामे मामजा अलैहिस्सलाम मिक्स कर लेनी है और यह भी 3 दिन में एक दफा इस्तेमाल करना है और यह दूसरा मरला हो जाएगा, 3 दफा इसको इस्तेमाल करें तो जब तक ठीक नहीं होते इसको इस्तेमाल करते रहें, इंशाल्लाह खुदा आलम शफा देगा। उसके अलावा परहेज क्या करें, गर्म गजाओं से परहेज करनी चाहिए। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आला हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा।